झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के विरडीह गांव में रिश्ते को शर्मसार करने की बात सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही भाई की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय नरसिंह मुंडा को उसके ही चचेरे भाई ने पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पंकज सिंह मुंडा जब मारी छे एकदम खत्म कर दिया पत्थर में। घटना कब का है? कल 6 बजे के। और आज थाना में सूचना दिए हैं? आज थाना में सूचना दिया है। और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी पूरा मामला सरायकेला का है, जहां पर रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। भाई ने अपने ही भाई की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी है। हत्या के पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, भाई ने ही भाई को मारा है। हत्या के पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई है। विरडीह गांव का यह मामला है, सरायकेला खरसावा जिले का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरायकेला से विद्युत महतो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विद्युत, आखिर किस वजह से भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है इसमें? विद्युत जी, सर, तो देखा जाए तो पुलिस उस मामला को दर्ज किया और उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए रेखला सदर हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद फिर सर कल वही शाम देर शाम में दर्ज सदर हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करके बॉडी को लेके आया, फिर उसका अंतिम संस्कार जी तो पुलिस अभी जांच में जुटी हुई जी। तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पे? क्या आरोपी जो भाई है उसे गिरफ्त में लिया गया है, क्योंकि मौके से फरार बताया जा रहा है? जी सर, पुलिस उसको आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तैयार था, बट सर उस टाइम उसका भाई उस टाइम इस जगह से फरार था। अभी पुलिस जांच में जुटी है कि उसको पकड़ने का। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विद्युत।